हेलो गाइस, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में बन केवरा भाग एक में जो संकलित संस्मरण है हमारे कर हरि काका, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडवंकुरन। आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपके लिए पहला प्रश्न है, बन केवरा भाग एक में संकलित हमारे कर हरि काका कौन तरह कर कृति हके। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कविता, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी लेख या फिर ऑप्शन डी संस्मरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संस्मरण। दोस्तों, हमरे कर हरि काका जो संस्मरण है इसका जो भावार्थ है वो ऑलरेडी एडवंकुरन चैनल में अपलोड किया जा चुका है और इसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है कि लेख क्या होता है, संस्मरण क्या होता है और कहानी क्या होती है। ठीक है, तो इसको इसका लाभ आप उठा सकते हैं। तो आप एडवंकुरन चैनल में जाइए और इसके बारे में जानकारी लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बन केवरा भाग एक ने संकलित हमरे कर हरि काका कर रचनाकार कौन हकें। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सुरेश चंद्र राय, ऑप्शन बी रमेश चंद्र राय, ऑप्शन सी डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर शकुंतला मिश्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुरेश चंद्र राय। अगला प्रश्न है, बन केवरा भाग एक में संकलित संस्करण कर रचनाकार हरि काका कर व्यवहार कैसन बतावे ना। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सुभियार, ऑप्शन बी गुरुआ, ऑप्शन सी नेवैर कर बोले वाला या फिर ऑप्शन डी देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवल शोभे। देखिए, हरि काका जो संस्मरण है उसमें हरि काका का व्यक्तित्व का परिचय देते हुए जो है लेखक वो कहते हैं कि वो काफी सुभियार थे, बहुत गुरुआ थे। गुरुआ मतलब कि मीठा बोलने वाले थे और नेवैर कर बोलने वाले थे। नेवैर का मतलब होता है झुक कर, बड़े अदब से बात करने वाले थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवल शोभे। अगला प्रश्न है, हरि काका कर छरदेवाली भीतरे का जिनिस कर गच रहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ठुठुंगा करंज कर गच, ऑप्शन बी हरियर करंज कर गच, ऑप्शन सी ठुठुंगा तेतर कर गच या फिर ऑप्शन डी हरियर तेतर कर गच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठुठुंगा करंज कर गच। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है तेतेर कर गच, इमली का पेड़ को हम लोग इमली को तेतेर कहते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हरि काका छगरी पटरू के कहाँ बांधत रहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ठुठुंगा करंज कर गच ने, ऑप्शन बी शहर दीवारी बाहरे, ऑप्शन सी रसवा घरक एगो कोना ने या फिर ऑप्शन डी हरियर तेतेर कर गच ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रसवा घरक का एगो कोना में। रसवा घरक मतलब की किचन जो होता है उसको हम लोग रसवा घर कहते हैं, जिसमें खाना पकाने का काम, पाकशाला जिसको कहते हैं ना, किचन पाकशाला, तो उसी को हम लोग रसवा घर कहते हैं। ठीक है, उसी के एक कोना में छगरी पटरू ये सबको हरि काका बांधते थे। अगला प्रश्न है, संस्मरण कर अनुसार काकी कान ने का पिन्हत रहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए झुमका, ऑप्शन बी कनबाली, ऑप्शन सी तरपत या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तरपत। तरपत क्या होता है, ये लटकता हुआ जो झुमका होता है उसी को हम लोग तरपत कहते हैं। ठीक है, कानों में बहुत बड़ा साइज का होता है चांदी का ये, ठीक है, चैन रहता है और फिर ये लटकता है झुमका, उसी को हम लोग तरपत कहते हैं। अगला प्रश्न है, संस्मरण कर अनुसार हरि काका कर धोती कर लंबाई कतई रहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सात कोसा, ऑप्शन बी सात मीटर, ऑप्शन सी सात हाथ या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सात हाथ। अगला प्रश्न है, संस्मरण कर अनुसार केकर घर कर सोझे हरि काका कर घर रहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गोंजू मनक, ऑप्शन बी सिंह मनक, ऑप्शन सी तेली मनक या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंह मनक। सिंह मनक का सोझे मतलब इनके घर का, सोझे का मतलब इसके सीधे में किनका घर था, तो हरि काका का घर था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंह मनक। अगला प्रश्न है, संस्मरण कर अनुसार का मिलले काकी एकाध धप अपन गढ़ा में उझल राख तलाएं। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अंबा, ऑप्शन बी तेतैर, ऑप्शन सी गोबर या फिर ऑप्शन डी माटी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोबर। गोबर मिलने पर एकाध धप जो है वो अपने गढ़ा में उझल देती थी। ठीक है, धप धप का मतलब होता है कई बार। ठीक है, तो एक धप मतलब कि एक बार, दो धप मतलब कि दो बार। ठीक है, तो धप का मतलब होता है कई बार। ठीक है, अगला प्रश्न है, गांव कर बेस कविराज के रहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हरि काका, ऑप्शन बी मुकुंद काका, ऑप्शन सी जगदेव काका या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरि काका। संस्मरण में इस तरह से लेखक कहते हैं कि हरि काका बेस कविराज थे। ठीक है, अगला प्रश्न है,
लेखक कर माए कर दुलरुआ देवर के रहे, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हरि काका, ऑप्शन बी मुकुंद काका, ऑप्शन सी जगदेव काका, या फिर ऑप्शन डी देवल शोभे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवल शोभे। यहाँ पर लेखक की माँ जो है, तो लेखक की माँ के जो तीन दुलरुआ देवर थे कौन कौन, हरि काका, मुकुंद काका और जयदेव काका, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लेखक के अनुसार हरि काका के का जिनिस कर बेस ज्ञान रहे, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ओझामती, ऑप्शन बी झाड़फूक, ऑप्शन सी ए और बी, या फिर ऑप्शन डी जड़ी बूटी कर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जड़ी बूटी कर। हरि काका को जड़ी बूटी का ज्ञान था, इनके पिता वैद्य थे और हरि काका भी एक तरह से वैद्य ही थे। ठीक है, अगला प्रश्न है। संस्मरण कर अनुसार केकर घरे सत्यनारायण कथा सुन लें, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हरि काका, ऑप्शन बी मुकुंद काका, ऑप्शन सी जगदेव काका, या फिर ऑप्शन डी लेखक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेखक। लेखक के यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा हुई थी। अगला प्रश्न है। संस्मरण कर अनुसार हरि काका का जिनिस के खाए के बेस भला है, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दवाई, ऑप्शन बी जड़ी बूटी, ऑप्शन सी प्रसादी, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रसादी। तो हरि काका जो है जवानी में बहुत जोर से बीमार पड़ गए थे और उनके बचने की उम्मीद नहीं के बराबर थी, लेकिन वो सत्यनारायण भगवान का कथा हुआ था लेखक के यहाँ पे, तो वहाँ जो मोहन भोग जो प्रसादी बना था ना मोहन भोग, और मोहन भोग किस तरह का बना था उसका भी जिक्र है, आटे का हलवा का। मोहन भोग कई तरह से बनता है, तो इस संस्मरण में आटे का हलवा का मोहन भोग लिखा हुआ है। ठीक है, तो आटे का हलवा का मोहन भोग बना हुआ था, उसी प्रसादी को खाकर हरि काका जो है वो फिर से अच्छे हो गए थे, बेस हो गए थे, मतलब कि अच्छे हो गए थे। अगला प्रश्न है। लेखक कर माए अपन दुलरुआ देवर मनक तीन दिन कर बासी पुआ और मोहन भोग के का जिनिस से निकलाए के देता है, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए डलिया, ऑप्शन बी ओडिया, ऑप्शन सी पोटोम, या फिर ऑप्शन डी सूप। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोटोम। पोटोम जो होता है वो एक तरह का पोटली की तरह का होता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग पोटोम कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटोम से निकाल के अपने दुलरुआ देवर लोग को लेखक की माँ जो है वो तीन दिन का बासी पुआ और मोहन भोग देती थी। अगला प्रश्न है। देवर मन का जिनिस के अमृत नियर खाए के पानी पियत रहे, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए खीर, ऑप्शन बी हलुआ, ऑप्शन सी बासी पुआ और मोहन भोग, या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बासी पुआ और मोहन भोग। अगला प्रश्न है। संस्मरण कर अनुसार का जिनिस के चढ़ाता है और देवर भौजी कर गप घंटों चलत रहता, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए खीर के, ऑप्शन बी हलुआ, ऑप्शन सी बासी पुआ और मोहन भोग, या फिर ऑप्शन डी पीनी तम्बाकू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पीनी तम्बाकू। पीनी तम्बाकू क्या होता है ना कि चिल्लम को कहते हैं, ठीक है, तम्बाकू को जला के जो पिया जाता है उसी को बोला जाता है पीनी तम्बाकू। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पीनी तम्बाकू। अगला प्रश्न है। हरि काका काले भुकेर भुकेर के कांदत रहे, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए छर दीवारी गिरक से, ऑप्शन बी छुआ पुता नी होवेक से, ऑप्शन सी काकी कर जियान होवेक से, या फिर ऑप्शन डी बीमार पड़ल से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काकी कर जियान होवेल से। जियान होवेल से का मतलब होता है काकी की मृत्यु हो गई थी, साधारण शीत के कारण ही काकी की जो है वो मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण हरि काका भुकेर भुकेर के रोते हैं। भुकेर भुकेर के मतलब कि जोर जोर से रोते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है। हरि काका केकर सेवा करत रहे, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अपन बाप कर, ऑप्शन बी छुआ पुता कर, ऑप्शन सी काकी कर, या फिर ऑप्शन डी बिस्कल बुढ़िया गाय कर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिस्कल बुढ़िया गाय कर। काकी के मरने के बाद, काकी की जो मृत्यु हो जाती है ना, उसके बाद हरि काका जो होते हैं वो बिस्कल बुढ़िया गाय का सेवा करते हैं। बिस्कल लिखा हुआ है, बिस्कल का मतलब क्या होता है, गाय जो होती है ना जो दूध देती है गाय, तो उसको कहते हैं हम लोग दुधारू गाय। लेकिन गाय जब दूध देना बंद कर देती है ना तो उसको कहते हैं बिस्कल गाय। ठीक है, जब गाय दूध नहीं देती है तो उसको कहते हैं बिस्कल बुढ़िया गाय। ठीक है, अगला प्रश्न है। हरि काका कर 10 घंटा बाद केकर से होलग, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन अपन बाप से, ऑप्शन बी छुआ पुता से, ऑप्शन सी काकी से, या फिर ऑप्शन डी पोरा मालिक से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पोरा मालिक से। हरि काका जो है वो पुआल चोरी करके ले आते थे, चोरी करके मतलब बिना पूछे पुआल निकाल कर ले आते थे। ठीक है, तो एक बार इसी तरह से पोरा मालिक के साथ उनका बहस हो गया था, 10 घंटा मतलब कि बहस हो जाता है, तो उसी को कहते हैं 10 घंटा। अगला प्रश्न है। हरि काका संस्मरण कर अनुसार भूलते भटकते के गांव ने घुसलक, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राकस, ऑप्शन बी साधु, ऑप्शन सी ठुरकी जनाना, या फिर ऑप्शन डी बाघ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ठुरकी जनाना। ठुरकी जनाना का मतलब होता है नाटी औरत, जिसका कद कद छोटा हो उसी को हम लोग
ठुरकी कहते हैं या फिर नटरी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हरि काका संस्मरण के अनुसार गांव कर जनाना मन काले मुंह ने लुगा लेके हंसत रहे, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हरि काका के देख के, ऑप्शन बी काकी के देख के, ऑप्शन सी ठुरकी जनाना के देख के, या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ठुरकी जनाना के देख के। ठुरकी जनाना जो थी वो हरि काका के साथ रहने लग गई थी, ठीक है, तो इसीलिए जब वो बिहान के बेरा जब पानी उनी भरने जाती थी ना, तो गांव की जो औरत लोग थी उसको देख देख के हंसती थी। अगला प्रश्न है, हरि काका कौन ठीन बैठ कर अपन भीतरी बात जगदेव काका के बताएगा, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए टोंगरी ठीन, ऑप्शन बी छरदीवारी ठीन, ऑप्शन सी खरिहान ठीन, या फिर ऑप्शन डी घरे का रसवा ठीन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खरिहान ठीन। खरिहान क्या होता है, तो खेत में ही एक लिप बाड़ के बनाया जाता है, ठीक है, और इसी में पूरा का गांज या धान का गांज को हम लोग रखते हैं, तो उसी को, और यहाँ पर धान मिसने का भी काम किया जाता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग खरिहान कहते हैं। अगला प्रश्न है, ठुरकी जनाना का जिनिस के बहुत बढ़िया पकाए ना, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए धुसका, ऑप्शन बी मालपुआ, ऑप्शन सी छिलका रोटी, या फिर ऑप्शन डी खीर पूरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छिलका रोटी। जो हरि काका है ना वो गांव वालों से कहते थे कि जो जो उनकी जो ठुरकी जनाना जो आई है वो बहुत अच्छा छिलका रोटी पकाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छिलका रोटी। अगला प्रश्न है, तो आपने बेद हकीस देवल संवाद के कहना, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हरि काका, ऑप्शन बी काकी, ऑप्शन सी ठुरकी, या फिर ऑप्शन डी जगदेव काका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जगदेव काका। जगदेव काका जो है वो हरि काका को बोलते हैं कि तुम तो अपने ही वेद हो, तो तुम ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हो बात को। अगला प्रश्न है, संस्मरण कर अनुसार का जिनिस नियर हरि काका कर सुख सिराई गलक, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वाति कर बूंद, ऑप्शन बी ईद कर चांद, ऑप्शन सी गुल्लर कर फूल, या फिर ऑप्शन डी सुखल नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वाति कर बूंद। स्वाति कर बूंद क्या मतलब क्या होता है, स्वाति एक तरह का नक्षत्र होता है, और इस नक्षत्र में जो होता है पानी का जो बूंद होता है ना वो बहुत दुर्लभ होता है, और अगर ये बूंद मिलता है वो देवताओं को, देवता लोगों को भी नहीं मिल पाता है ठीक से, ठीक है, तो इसीलिए बहुत दुर्लभ चीज होता है, वो कभी नहीं मिलता, नहीं के बराबर मिलता है, तो उसी को कंपेयर किया गया है कि हरि काका का सुख भी जो है ना अब सिरा गया, खत्म हो गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, संस्मरण कर अनुसार हार मानकर हरि काका गांव ने सबकर से का कहें, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जमीन के अब बेच देव, ऑप्शन बी घर दुरा के अब बेच देव, ऑप्शन सी भूती बनी करे शहर जावे कर बात करे ना, या फिर ऑप्शन डी सरकारी अस्पताल बरियातू चल जाती खाइक तो मिली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरकारी अस्पताल बरियातू चल जाती खाइक तो मिली। जो संस्मरण है उसके अनुसार लेखक जो है वो बतलाते हैं कि गांव में अकाल पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है तो खेती बाड़ी नहीं होती है, ठीक है, तो अब सबकी हालत बहुत खराब हो जाती है, तो उसी समय अब हरि काका कहते हैं कि सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं, एडमिट हो जाते हैं रांची में बरियातू में, कम से कम वहां पर खाने पीने के लिए तो मिलेगा ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संस्मरण कर अनुसार के रायत ने सुतलक तो सुतले रह गेलक, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हरि काका, ऑप्शन बी काकी, ऑप्शन सी ठुरकी जनाना, या फिर ऑप्शन डी जगदेव काका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ठुरकी जनाना। देखिए दोस्तों, इसमें अगर आपको ठुरकी जनाना ऑप्शन ना देके काकी ऑप्शन देगा तो आप लोग काकी पर जाइएगा, लेकिन अगर ठुरकी जनाना लिखा हुआ रहेगा तो यही मतलब कि यही सही आंसर रहेगा, ठीक है, क्योंकि काकी जो थी वो तो पहले ही एक्सपायर कर गई थी, और ठुरकी जनाना जो है वही अब हरि काका के साथ रहने लगी थी, तो इसी को काकी से संबोधित किया गया है संस्मरण में, लेखक ने जो बोल संस्मरण में लेखक कुछ इस तरह से कहे हैं कि काकी रायत ने सुतलक तो सुतले रह गलक, मतलब कि जो सेकेंड वाइफ थी ठुरकी जनाना सेकेंड वाइफ थी हरि काका के, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ठुरकी जनाना। अगला प्रश्न है, संस्मरण कर अनुसार काकी कर बेटा कहाँ काम करत रहे, तो आपके ऑप्शन है रांची बरियातू, ऑप्शन बी रांची चुटिया, ऑप्शन सी रांची काके, या फिर ऑप्शन डी रांची हटिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रांची चुटिया। जो ठुरकी जनाना था वो अपना एक बेटा के साथ गाँव आई थी, वही बेटा बढ़ गया था, ठीक है, और वो रांची चुटिया में काम करता था, इस तरह से संस्मरण में लेखक ने कहा है। अगला प्रश्न है, संस्मरण कर अनुसार हरि काका कर जिंदगी लेखक कर आंख कर सामने का जिनिस नियर खुलते चल जाएला, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बंद बक्सा नियर, ऑप्शन बी बाझल डोर नियर, ऑप्शन सी सिनेमा कर रील नियर, या फिर ऑप्शन डी देवल शोभे। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिनेमा कर रील नियर। जिस तरह से हम लोग सिनेमा देखते हैं ना, तो उसी तरह से हरि काका का जीवन जो है लेखक के आंखों के सामने
खुलता चला जाता है। तो इस तरह से लेखक बतलाते हैं। ठीक है, तो ये है हरि काका संस्मरण का से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको मैंने आसान भाषा और आसान शब्दों में आपके सामने रखने की कोशिश की है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ये है वीडियो का अंत। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।